ये मैंने मेकअप लुक जो है स्पेशली ईद के लिए किया था। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस लुक को। तो इस लुक को मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा सा पचका हो गया। अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये डालना है फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मेरे घर का सारा काम हो चुका है। मैंने नहा लिया है और बेटे की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। अभी सोचा चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है मैंने अभी। और अभी 10:30 आई थी, हाँ 10:30 के करीब हो रहा है। मैं बस नहा के आई हूँ अभी, लेकिन गर्मी बहुत है आज तो, जबकि बारिश भी हुई थी फिर भी। तो अभी बेटे की क्लास होगी, क्लास के बाद आज बहुत सारे मेरे को छोटे छोटे काम करने हैं जो आज ही ख़त्म करने हैं। कपड़े बहुत फैले हुए हैं, उनको सब सॉर्ट करके रखना है। और बाहर अच्छी आ रही ना फोटो बाहर रील्स बनाने में सही है। मतलब मैं अभी बालकनी में आई हूँ और बालकनी में बहुत अच्छा, आज धूप नहीं है लेकिन आज थोड़ा सा है। ये रे तक्षे, हेलो कर दो बेटा, हेलो बोल दो। नो बेटा, गंदी बात, हेलो बोल दो तो एक बार, हेलो बोल दो। इधर देखो, सब आपको देख रहे हैं, हेलो कर दो, हेलो हेलो तो अभी बस मॉर्निंग का ही टाइम है, काम हो गया है, तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद फिर अभी शुरू करते हैं अपने छोटे मोटे काम। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, आज मैं एक मेकअप लुक ट्राई करने जा रही हूँ। आप लोग इसको छोटे मोटे जो फंक्शन हो उसमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाइट मेकअप मैंने कोशिश की है कि कम सामान में इस मेकअप को मैं ट्राई करूँ। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करना, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, तो आवाज़ एकदम अंदर जा रही है इसलिए। तो ये मेकअप लुक जो मैं ट्राई कर रही हूँ गाइस, तो इसको आप बर्थडे में या छोटे मोटे सेलिब्रेशन में कर सकते हैं, जैसे मैं स्पेशली ईद के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि आप एक ईद का मेकअप लुक निकालना। उनका नाम है नाजमा और वो मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है मेकअप, तो मैं मेकअप में बहुत लाइट मेकअप करने जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ईद में मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हम थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, रिश्तेदारों के वहाँ जा रहे हैं, तो मेकअप जो है वो फॉल आउट ना हो इसलिए। तो मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ बीबी क्रीम से ये मेकअप स्टार्ट किया है। बीबी क्रीम लगाने के बाद देखिए फेस कितना मतलब अलग ही समझने आ जाता है। बस ये है कि बीबी क्रीम आप जब भी लगाए तो इसमें अच्छा खासा टाइम देके और इसको अच्छे से पैचअप ना पड़े बीच में, और इसको ब्लेंड करिए ब्लेंडर से, और उसके बाद मैं दे रही हूँ। तो ये ब्लेंड करने के बाद मैंने अब सारे मेकअप को लूज़ पाउडर से जो है वो सेट कर लूँगी, ताकि मेकअप गर्मी का दिन है पसीने से फॉल आउट ना हो। तो ये मेरा ब्रश मैं दिखा रही हूँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं आई शेडो को लगाने के लिए। तो मैं अभी आई शेडो लगा रही हूँ लाइट कलर का, और अभी उसके बाद मैं लगाऊंगी लाइनर और फिर काजल। लाइनर काजल ना एक ऐसी चीज़ है कि आप लगा लो तो पूरा ऐसा लगता है कि आपने मेकअप कर लिया है, और साथ में लिपस्टिक भी। तो लिपस्टिक की मैं अभी अपर लिप्स बना रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी में लगता है कि लिपस्टिक ख़राब ना हो। और कोशिश कीजिएगा कि ड्राई लिपस्टिक लगाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, अगर आप ड्राई लिपस्टिक नहीं लगाएंगे फैलेगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज ड्राई लिपस्टिक लगा के आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज की, मैंने सोचा चलिए वाली ड्रेस जो है इस मेकअप के साथ शूट करी करूँगी। अब ये देखिए, बच्चों के साथ यही होता है, मैं वहाँ पे अपना फ़ोटोज़ ले रही थी और बेटा मेरा बीच में उसी में मस्ती कर रहा है, वो साथ में लगा हुआ। आप देखिएगा हर जगह वो फ़ोटोज़ में आएगा, जब मैं फ़ोटोज़ ले रही थी तो बीच में बार बार आ जा रहा था।
कैसे हैं आप लोग। सो आज मैं इतना तैयार ना इसलिए हुई हूँ, आप लोग सोच रहे हो मैं आज आ रही हूँ। एक्चुअली मैंने अभी एक ना मेकअप लुक ट्राई किया है, वो है ईद के लिए। ईद आने वाली है, सबका मन करता है कि ईद में अच्छे अच्छे तैयार हुए हम, नए नए कपड़े पहने। तो सो मैंने सोचा क्यों ना ईद पे एक मेकअप लुक निकाल लिया जाए। बहुत सारी गर्ल्स और विमेन्स जो है ना ईद पे मेकअप करती है, क्योंकि अभी ना गर्मी तो बहुत है लेकिन ईद है तो भाई मेकअप तो बनता है। तो कैसे आप हल्के से मतलब कुछ चीजों में, कुछ थोड़ी सी चीजों में, मेकअप की चीजों में आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसी लुक मेकअप लुक को ट्राई किया है, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी मैं इस सब चीजों को मैंने ध्यान पे रखते हुए बहुत ही लाइट मेकअप जो है वो ट्राई किया है, जो कि आप गर्मियों में आराम से कर सकते हैं। इसको ईद में और जो घर के छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना, आप उसमें ये मेकअप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने वही मेकअप लुक जो है अभी ट्राई किया है, ये वाला। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो ये देखिए, मैं आपको अभी पूरा लुक दिखाऊंगी क्योंकि मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा, इसलिए जब तक मैं आपको फाइनल ये दिखा देती हूँ। देखिए साइड पोज मेरा, सो गाइस ये देखिए, आपको पहले तो ये पूरी अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये मैंने मेकअप लुक जो है स्पेशली अभी मैं करूंगी इस व्लॉग का एंड, और जाके अभी पहले सबसे पहले मेकअप रिमूव करूंगी। और मेकअप रिमूव करने के बाद किचन की ड्यूटी खाना बनाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि 8 बज गए हैं। मैं ब्लॉग बना रही थी आज ईद का मेकअप लुक निकालने के लिए, तो इस ब्लॉग का करती हूँ एंड सी यू सून, लव यू गाइस, बाय बाय। मम्मी हाँ बेटा बोलिए। देखिए ये लेके आए फ्रेंच फ्राइज बना के, इनका फ्रेंच फ्राइज देखिए ऐसे करते हैं ये लोग घर में, इनका फ्रेंच फ्राइज बनाया बहुत टेस्टी बनाया, थैंक यू। ये खाना ही पड़ेगा, आप ही खिला दो। हस्बैंड 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, चाय पीने का बहुत मन हो रहा था क्योंकि चाय तो मैं बहुत पीती हूँ। तो अभी बन रही है देखिए चाय, मैं बस अभी मेकअप रूम निकाला था तो उसके बाद मैंने कहा पहले चाय बना लेती हूँ, फिर जब तक मेकअप रिमूव करेंगे तब तक चाय बन जाएगी। सो अभी मैं सिर्फ चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, बन रही है चाय और सब्जियां मैंने जल्दी बना ली थी, सिर्फ रोटी बनानी है, आटा निकाल के रख दिया गूंदने के लिए और फिर सब्जी बनाऊंगी।